और आइए बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे महामुकाबले की। कोलंबो में टीम इंडिया के तूफान ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट और राहुल की जोड़ी के सामने पाकिस्तान की टीम पूरी तरह पस्त नजर आई। विराट कोहली के करियर की 47वां वनडे शतक लगाया, उन्होंने 94 गेंदों पर 122 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं KL राहुल ने करियर की 6ठी वनडे सेंचुरी जमाई। राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों के बीच 194 गेंदों पर 223 रनों की साझेदारी हुई। भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 356 रन बनाए, जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने मीरपुर के मैदान पर 2012 में 330 रन बनाए थे। कोहली ने उस मैच में 183 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। पाकिस्तानी गेंदबाज आज भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। 357 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य देखकर पाकिस्तानियों की हालत पतली है और हार से बचने के लिए हर कोई बारिश की दुआ मांग रहा है। अगर बारिश होती रहे, एक एक पॉइंट मिल जाए, जान छोड़ जाए। कोलंबो में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जिस अंदाज में धुनाई हुई, उसके बाद पाकिस्तानियों के सामने बारिश की दुआ करने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की कमर तोड़ी और पाकिस्तानी फैंस का हौसला और हिम्मत भी बिखेर दिया। रोहित शुभमन ने मिलकर पाकिस्तानी बॉलरों को धो धोकर बॉर्डर के पास पहुंचा दिया। पहले दिन बारिश आई तो पाकिस्तानियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस अंदाज में मैच का आगाज हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के सामने बहाने बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 2 सितंबर को हुए मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर दिया था। इस बार रोहित और शुभमन की सलामी जोड़ी ने जमकर खबर ली, जिसका डर हर पाकिस्तानी के दिल में बैठ गया है। भारत ने जिस अंदाज में पारी का आगाज किया, पाकिस्तान ने सपने में भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। टीम इंडिया के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान के सारे प्लान फेल कर दिए, इसलिए पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों से ज्यादा मौसम और बारिश के भरोसे बैठा है। पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी मुकाबले में जीतने का भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार बारिश की दुआ कर रहा है। टीम बाबर तो बारिश की मदद से फाइनल तक पहुंचने का सपना देख रही है। रिपोर्ट जी मीडिया। Z News.